साथियों नमस्कार। पावन गुरु पर्व पर हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, साथ में आपका स्वागत व अभिनंदन कि आज ये महान पर्व है। अच्छा, कभी आपने विचार किया है कि ये गुरु श्रृंखला, गुरु परंपरा की श्रृंखला, ये कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, इसका क्रम क्या है? कभी इस पे विचार करिए। देखिए, मैं कोई संत या महात्मा या ऋषि या विचारक या विद्वान नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ। मन में कभी कभी मंथन होता है तो उसी मंथन को इस ब्लॉग में मैं डाल देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के द्वारा बताइए, और जो भी वार्ता करता हूँ वो सार गर्भित होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि आपकी वार्ता जो है तार्किक होती है, तो उसी तार्किक प्रश्न में मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि ये गुरु परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, इसका अंत कहाँ है? अच्छा, ये विशेषकर सनातन और भारतीय व्यवस्था में है, अन्य किसी पंथ और मजहब में तो ये इस तरह का नहीं है, क्योंकि वहाँ तो व्यवसायिक। अगर आप अच्छा कभी आप इस गुरु परंपरा के बारे में एक थोड़ा निष्पक्ष और तार्किक रूप से विवेचन करें, मंथन करें, तो आप पाएंगे कि सनातन और भारतीय अवस्था में जो गुरु परंपरा है उसका व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है, जबकि आप अन्य पंथ है और मजहब या सभी जो भी अन्य आधुनिक शैली में जो आप देखेंगे उन सब में व्यवसायीकरण हो गया है। गुरु एक व्यवसाय है, मतलब गुरु कहीं पैसा लेता है, वेतनभोगी हैं इस तरह के गुरु आप, क्योंकि जो समाज को एक नया दृष्टिकोण दे, नागरिकों को नया दृष्टिकोण दे, वही गुरु है। तो भारत की ये अति प्राचीन परंपरा है, और मैंने प्रश्न किया है कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। तो ये एक सामान्य नागरिक से इसकी शुरुआत है, और फिर इसका क्रम चला जाता है और ये परम ब्रह्म तक पहुँचता है। परम ब्रह्म ही असली गुरु हैं। अब परम ब्रह्म किस दृष्टिकोण से है, जरा ये भी आपको बताएं। जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद, वो शिष्य और परम ब्रह्म का ही संवाद है, जो गीता का यथार्थ रूप आप देखते हैं, है भाई कि नहीं है? अगर है तो आप मान लीजिए। अच्छा, अब दूसरा श्री रामचरितमानस में आप दृष्टिकोण देखिए, तो एक सबरी जी का प्रसंग है। अब सबरी जी का प्रसंग तो सब लोग जानते हैं कि भक्ति और भगवान का प्रसंग है, नहीं, वो भक्ति और भगवान का प्रसंग नहीं है, वो गुरु श्रद्धा और विश्वास का अकाट प्रसंग है, जो अटल है और जो अटल रूप दिखा रहा है गुरु का। क्योंकि सबरी जी के गुरु ने कहा था कि तुम यहीं आश्रम में इंतजार करना, भगवान मतलब परम ब्रह्म प्रभु श्री राम के रूप में यहीं आएंगे। और देखिए, भगवान को जन्म लेना पड़ा राम जी के रूप में, और अपने सहोदर भाई लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पर गए और सबरी जी से एक गुरु रूप में उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया है। एक ब्रह्म होके एक सबरी माता जी के रूप में उन्होंने परम ब्रह्म प्राप्त किया है। इस विषय पर परिचर्चा फिर कभी बाद में होगी, क्योंकि प्रसंग लंबा हो जाएगा। और दूसरा, फिर हम एक और गुरु और शिष्य की परंपरा का अकाट उदाहरण देते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, जो एकलव्य और द्रोणाचार्य जी का है महाभारत के काल में, और आज भी ये परंपरा चली आ रही है, और कई शिष्य अपने मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से अपना गुरु मान लेते हैं और उन गुरु को अपना एक आदर्श मानते हैं और उनकी प्रेरणा स्रोत से अपना जीवन सफल जीवन पार करते हैं। आज चूंकि अयोध्या में हमारे गुरु श्री देवेंद्राचार्य जी, बड़े अखाड़ा दशरथ महल जिसे संबंधित हैं, उनसे 84 कोस की परिक्रमा के बारे में परचर्चा हुई थी। आज बहुत अच्छा दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो चूंकि गुरु के रूप में हैं वो, इसलिए मैं आज उनकी चर्चा को इस ब्लॉक में डाल रहा हूँ। आप लोग अवश्य सुनिए, बहुत ही प्रेरणात्मक है। साथ में गुरु वशिष्ठ जी का उसमें विवरण है, और गुरु वशिष्ठ जी मतलब ब्रह्म के भी गुरु। ओहो, कितनी बड़ी गुरु परंपरा को दिया गया है। ब्रह्म मतलब जो सर्व ज्ञाता है, जो सर्व नियंता है, जो सर्वोच्च हैं, प्रभु श्री राम उनके गुरु। और उनके एक गुरु नहीं रहे, एक गुरु तो विश्वामित्र जी रहे, और दूसरे गुरु रहे
सॉरी, एक गुरु तो वशिष्ठ जी रहे जो उनके परंपरागत गुरु थे, उनके पूर्व पूज्य पिताजी के, उनकी पीढ़ियों के गुरु थे, और जो भगवान प्रभु राम जी के गुरु हुए वो विश्वामित्र जी हुए, और विश्वामित्र से महाज्ञानी न आज तक हुआ है न आगे होगा, और न ही उनकी बराबरी का कोई वैज्ञानिक और कोई दार्शनिक और कोई आध्यात्मिक शक्ति का पुंज आज हुआ है। वास्तव में वो महान से महान गुरु हैं। तो चलिए आज का आप दृष्टिकोण जरूर सुने और आनंदित हों, और गुरु परंपरा को यथार्थ रूप में रखें। यही भारत की महान संस्कृति है, और इस संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करें। देखिए, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने संकीर्णता का रूप धारण किया, संकीर्ण नहीं, अरे क्या मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अंग्रेज रूस रशियन जर्मन, अरे सब नागरिक हैं, सब में वही शरीर के पांचों तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन शरीरा और शेष मन और बुद्धि, सात चीज़ें हैं। ये सात चीज़ें दुनिया, कौन सा ऐसा मानव है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है नर और नारी जिनमें ये चीज़ें ना हों। कितनी संकीर्णता रही हमारे पूर्वजों में कि हम समुद्र पार करके अपना ज्ञान नहीं गए। हमारे शंकराचार्य जी समुद्र पार करके नहीं जाते हैं, तो समुद्र पार करके जब नहीं जाओगे तो आप अपना ज्ञान को यहीं सीमित रखोगे ना। आज कुछ गुरु महाराज, कुछ संत लोग, महान संत लोग अब विदेशों में जा रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति फैल रही है देखिए दिनों दिन। तो भाई इसको फैलाइए ना, ये मानवता और जन कल्याण और लोक कल्याण और विश्व कल्याण और संसार के कल्याण की ये आपकी नीति है, आपका दृष्टिकोण है, आपका आध्यात्मिक विचारधारा है। इस विचारधारा को जाने क्यों संकीर्ण बना रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं हिंदुओं में, भारतीयों भारतीयों तक में सीमित रख रहे हैं। अरे इसको विकराल रूप दीजिए, जन जन में पहुंचाइए। अब कौन पहुंचाएगा, जो सुने वही पहुंचाए, जहां बैठिए वहीं चर्चा करिए। तब जब आप चर्चा करेंगे तब प्रकृतिमय वातावरण होगा, प्रकृति का दृष्टिकोण लोग समझेंगे कि अरे ये देखिए भारतीय एक एक पौधे को पानी डालते हैं इतनी गर्मी में, जिंदा रखते हैं। हाँ, ये संस्कृति है परोपकारिता की, इस परोपकारी संस्कृति को बढ़ाइए। यही गुरु शिष्य परंपरा है, और यही महान श्री गीता का ज्ञान है, यही महान रामचरितमानस का ज्ञान है। कुछ लोग रामचरितमानस जला रहे हैं, तो क्या जलने से सत्य जल जाएगा, अरे कितनी बड़ी बात है बताइए। सत्य आज तक कभी जला है, अरे सत्य ही तो आग तत्व है, आग तत्व कभी कभी खत्म हो सकता है। कितने भाई दयनीय लोग हैं, कितने महान लोग हैं, हम तो ये कहेंगे वाह वाह वाली बात। यदि रावण इस दुनिया में ना आता ना, तो भगवान भी देर से आते। यदि कंस इस दुनिया में ना आता ना, तो भगवान श्री कृष्ण जी और देर से जन्म लेते। देखिए कभी इस बात पे मंथन किया ना, अरे जब रामचरितमानस फैल जलाओगे, हर चौराहे पे जलाओ हम तो कह रहे हैं, तो रामचरितमानस फिर पूरी दुनिया में घर घर पढ़ी जाएगी, घर घर रखी जाएगी। सर्वे कर लीजिए, जब से रामचरितमानस जलाई गई है तब से श्री रामचरितमानस परम गुरु के रूप में पूरी दुनिया में आच्छादित हो रही है, घर घर चर्चा हो रही है, घर घर उसकी समीक्षा हो रही है, घर घर विश्लेषण हो रहा है। तो श्री रामचरितमानस तो महान गुरु है ही, लेकिन चलिए आज महंत श्री देवेंद्राचार्य। आज परम सौभाग्य है कि पावन नगरी अयोध्या धाम में श्री दशरथ महल जो पावन स्थान है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और श्री महंत श्री देवेंद्राचार्य महोदय साहब 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका प्रसंग चल रहा है, और उस प्रसंग में मैं आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ। प्रणाम सर। जय श्री राम, जय हो, जय हो, मंगल हो कल्याण। सर कल से सुना 84 कोस परिक्रमा। हाँ, कल से अयोध्या जी की 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है, लेकिन कल पूर्णिमा है, कल के दिन लोग मखौरा में निवास करेंगे, जितने परिक्रमार्थी होंगे आएंगे वे लोग कल मखौरा धाम में निवास करेंगे। मखौड़ा साहब यहाँ से कितनी किलोमीटर है और क्या पुण्य उसका? यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर मखौड़ा धाम है। अच्छा अच्छा सर। मखौड़ा धाम वही धाम है जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा से महाराज दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, जैसा कि रामचरित मानस में भी वर्णन है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और उसी जगह का परिणाम यह हुआ कि भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता ने, अग्नि नारायण भगवान ने चरु के रूप में भगवान को वहीं पर अवतरित करवा दिया। भगवान वहीं अवतरित हो गए चरु के रूप में, और वहीं भगवान
बाद में कौशल्या महारानी के यहाँ अयोध्या जी में प्रकट हुए, महाराज दशरथ जी के पुत्र कहलाए। तो जब भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव यहाँ मनाया गया और सब बड़े उत्साहित हुए, और भगवान श्री राम का छठी भी मनाया गया अयोध्या जी में, और छठी मनाने के बाद लोगों ने कहा कि जिस भूमि के प्रताप से भगवान श्री राम प्राप्त हुए हैं उस भूमि पर भी चल करके हम लोग दर्शन करना चाहिए। अच्छा, तो छठी आज छठी भगवान की है। अच्छा सब, है ना? अच्छा, अच्छा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 जी जी, चतुर्दशी को छठी हुई भगवान। और पूर्णिमा के दिन लोग वहाँ, अच्छा, पूर्णिमा के दिन मखौड़ा में सारा संत समागम इकट्ठा होगा। छठी पहले अयोध्या जी में मना के जी, पूर्णिमा को सारे अयोध्या वासी गए, अयोध्या वासी गए वहाँ पर। अच्छा, मखौड़ा। हाँ, कि उसी धाम के प्रभाव से राम मिले हैं, राम जी हम लोगों को मिले हैं। अच्छा, जब वहाँ गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यहाँ पर आए हैं आप लोग, ये अयोध्या का परिक्षेत्र 84 कोस की है। अच्छा, आप 84 कोस में भ्रमण करके लोगों को राम जन्मोत्सव की बधाई दीजिए, और इसी बहाने आपकी परिक्रमा हो जाएगी, और परिक्रमा से आप लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आप लोगों का परम मंगल होगा। तब से यह परिक्रमा प्रारंभ हो गई, अब आज तक अनवरत हो रहा है, और अभी भी श्रद्धालु लोग कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी भी परिक्रमा कर रहे हैं। कहाँ से आए महाराज जी आप? महाराज जी, हम कुमराज जिला गुना मध्य प्रदेश से। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? ब्रजकिशोर शर्मा। तो क्या आप हर वर्ष आते हैं? हाँ, हर वर्ष 5 साल से लगातार आ रहे हैं। तो यहाँ से आप पैदल मखौड़ा जाएंगे? जाएंगे। और 84 कोस की परिक्रमा को आप पैदल करेंगे? करेंगे जी महाराज। सभी संत लोग सब पैदल करते हैं ज्यादातर? हाँ, वरुण शास्त्री जी आए हैं, वो भी परिक्रमा पहले किए हुए, उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी बताएंगे परिक्रमा। शास्त्री साहब, आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या। अच्छा, इस परिक्रमा में कोई भी गृहस्थी या परिवार वाले सभी लोग शामिल हो सकते हैं? सभी कि ब्रज 84 कोस का जैसे परिक्रमा होती है, इस प्रकार अयोध्या 84 कोस का परिक्रमा होता है। अच्छा, एक बार सरकार परिक्रमा नहीं करने दे रहे, हम लोगों ने परिक्रमा के लिए आंदोलन किया और लखनऊ जेल में भी रहे। अच्छा, तो ये परिक्रमा तब से और प्रचलित हो गई। जी जी जी। और अब ये परिक्रमा गया दाजी महाराज जिनके नेतृत्व में संत लोग करते हैं। जी जी। हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनके नेतृत्व में करते हैं, कई टीम अलग अलग जाती है। इसमें कौन कौन से मुख्य स्थान पड़ेंगे? जैसे यहाँ से अयोध्या जी से आदमी मखौड़ा पहुँचा, उसके बाद 84 कोसी मखौड़ा, श्रृंगी नारी, श्रृंगी ऋषि, इस तरफ होते हुए हनुमान बाग है बीच में, ऐसा होते हुए बराही देवी है, और पुनः उसी जगह आते हैं, फिर सीता कुंड आकर। नहीं, ये नैमिषारण्य भी क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, अयोध्या की चौर। अच्छा, अयोध्या, अयोध्या पर 251 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। जी जी जी। चलिए शास्त्री साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो जिलों से होकर के परिक्रमा गुजरती है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। इसमें पहले बस्ती जिला पड़ेंगे। जी। बस्ती के बाद फिर अयोध्या जिला आ जाएंगे। जी जी। अम्बेडकर नगर प्राप्त होगा। जी जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा बाराबंकी का लेकर के ये भरतकुंड में जो सब पवन स्थान है, भरतकुंड भी। हाँ, भरतकुंड आएंगे। अच्छा, भरतकुंड में जहाँ भरत जी ने तपस्या की। उससे थोड़ा आगे से निकल जाएगा, सब आएगा उसमें। जी, एक इसमें फोटो हमारे। जय सियाराम, जय सियाराम।